तो चलिए सर, आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपके लिए लेटेस्ट अपडेट नाइलेट ने आपके एडमिशन प्रोसेस में किया है। जो भी बच्चे आप ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई करेंगे आने वाले समय में, या आज की डेट में भी अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ट्रिपल सी का, तो आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आई है, उसको देख लेते हैं। आपको एक अपार आईडी का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ऑलरेडी उसके ऊपर हमने वीडियो यहाँ पर क्रिएट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, इसको देख कर भी बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करेंगे ट्रिपल सी का फॉर्म को फिलअप करने के साथ साथ अपार आईडी को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप अभी एडमिशन लेना चाहते हैं ट्रिपल सी का सितंबर बैच में, तो आपके लिए एडमिशन ओपन है। आप 30 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 30 सितंबर तक एडमिशन लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम कब होगा? नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। ये आपको नोट करके रखना है। अगर आप अभी एडमिशन ले लेते हैं 30 सितंबर से पहले ट्रिपल सी में, तो नवंबर में आपका जो है एग्जामिनेशन होगा। लेकिन अब एक अपडेट किया गया है, आपको अपार आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसकी डिटेल भी अपने फॉर्म में फिल करनी पड़ेगी। तो जो बच्चे फिल करने जा रहे हैं, वो देख लीजिए कैसे फिलअप करना है। तो हम आपको ले चलते हैं अप्लाई ऑनलाइन पर, यहाँ से आपको ट्रिपल सी का फॉर्म भरना है। बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसको सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूट से अप्लाई करें, या फिर साइबर कैफे से अप्लाई करें। तो देखिए, ट्रिपल सी का फॉर्म आप सिंपल सा घर में अपने पीसी लैपटॉप में भर सकते हैं, सेल्फ भर सकते हैं। आपको ना ही किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी इंस्टीट्यूट के पास जाने की ज़रूरत है, आप सेल्फ भर सकते हैं। आपको इसमें कोई प्रिंट आउट नहीं निकालना होता, सारा प्रोसेस ऑनलाइन आपका सबमिट हो जाता है, ठीक है। अब आपको आना है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करना है और एग्री टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यह आपका ट्रिपल सी का फॉर्म ओपन आएगा, जो कि हर मंथ आपका ओपन रहता है, ठीक है। तो आपको जो अप्लाई करना है, सबसे पहले अपना यहाँ पूछा जाएगा क्या आपने क्या आप ऑनलाइन रेफरेंस देना चाहते हैं किसी भी एनरोलमेंट का, कहीं किसी इंस्टीट्यूट से अगर आपने किया हो तो उसका एनरोलमेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं देना है तो नो कर दीजिए। क्या इससे पहले आपने आवेदन किया है? अगर किया है तो यस करिए, उसकी डिटेल डालिए, जैसे बहुत से बच्चे करते हैं और उनके मान लीजिए आपके ग्रेड कम आते हैं, मान लीजिए आपका डी ग्रेड आया और आप चाहते हैं दोबारा से ट्रिपल सी करना, तो आप यहाँ पर यस करके आप अपना पिछला रोल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, तो नाइलेट हो सकता है उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दे, ठीक है। उसके बाद अपना एप्लीकेट नंबर डाल दीजिए, आपके केयर टेकर कौन है, पेरेंट हैं या पे आपके गार्जियन हैं। अगर पेरेंट हैं तो आपको कोई एफिडेविट नहीं लगेगा, अगर आपके कोई गार्जियन है तो गार्जियन में फिर यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू डाउनलोड करके फॉर्मेट में इसको बना के आपको अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद जेंडर है आपका, डेट ऑफ बर्थ है, सिंपल सा देखिए वही फॉर्म है, मैंने हर मंथ आपको बताया हुआ है, इसका कम्प्लीट वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। ट्रिपल सी का फॉर्म मैंने आपको भरना सिखाया है, उसको देख लीजिएगा एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ लिंक, ये है, ठीक है। ट्रिपल सी सितंबर टू नवंबर वाला फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है, देख लीजिएगा। अभी इसमें जो नया ऑप्शन ऐड हुआ उसको हम आपको बता देते हैं, जो कि 7.2 नंबर पे ऐड किया गया, अपार आईडी यहाँ पे अपलोड करनी है। अभी कोई आधार आईडी नहीं है, आधार कार्ड नंबर ये है, आधार कार्ड नंबर कंपलसरी नहीं है, लेकिन अपार आईडी देखिए यहाँ पर स्टार बना है, मैंडेटरी हो गया, तो यहाँ पर आपको अपार आईडी फिलअप करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि कुछ 12 डिजिट की कुछ होती है आपकी, 16 डिजिट के आसपास, तो वो आपको इतने फिलअप करनी होगी, ठीक है। तो क्लिक हियर टू जनरेट अपार आईडी, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से भी इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अपार आईडी को हम एबीसी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है, जो कि आपके सर्टिफिकेटों को प्रमाणित करके उसके अनुसार, उसके कोर्स की वैल्यू के अनुसार आपको कुछ क्रेडिट नंबर देता है, जैसे कि नंबर हो सकते हैं 3, 10, 15, 12, 18, इस प्रकार से कुछ क्रेडिट नंबर आपको मिलते हैं। और जब तक आप क्वालिफिकेशन लेंगे जितनी भी एज तक, तो जितने भी सर्टिफिकेशन होंगे सभी का एक क्रेडिट स्कोर आपके प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगा, ठीक है, जो कि जॉब आपको लेने में आसानी होगी। तो ये इसलिए आपका किया गया, ठीक है। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको जाना है डिजी लॉकर पे, सबसे पहले आपको जाना है डिजी लॉकर की वेबसाइट पे, digilocker.gov.in, इसकी मोबाइल ऐप भी है, आप उसको मोबाइल पर डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट प्रोसेस हम बता देते हैं, बाकी मैंने अपार आईडी का प्रोसेस बताया हुआ है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं वो लेवल वाली वीडियो में। आपको सबसे पहले साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगर आप पहली बार करने जा रहे हैं तो अपना पूरा फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, मोबाइल नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करिएगा, ठीक है, वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ऑलरेडी अगर आपका आईडी बना हुआ है तो यहाँ पर साइन अप करिएगा और अपना मोबाइल नंबर डाल के, या फिर यूज़र नेम डाल के, या फिर आधार कार्ड से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो हम मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे आपका सिक्योरिटी पासवर्ड पूछा जाएगा, हम यहाँ सिक्योरिटी पासवर्ड डाल लेते हैं। अब आपके पास यहाँ पे ओटीपी आएगा, ठीक है,
ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिएगा। ओटीपी डालने के बाद आपके पास इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगी। आपका देखिए यहाँ नाम शो होगा और यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपार आईडी अप्लाई की हुई है, तो यहाँ पे हमारा अपार आईडी नंबर जो है वो शो हो रहा है, 4 4 8 4 12 अक्षर का होता है, सॉरी मैंने 16 बताया था, 12 अक्षर का वही आपका अपार आईडी होता है। बगल में आपका आधार कार्ड यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको सिंपल सा सर्च डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, सर्च डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप कर देना है ए बी सी कर दीजिएगा टाइप यहाँ पे ABC और एंटर करेंगे तो यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपार आईडी का, इस पर अपार आईडी पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। आइडेंटिफाइड टाइप देख लीजिएगा आपके पास, और अगर आप ट्रिपल सी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो अपना रोल नंबर यहाँ फिल कर दीजिएगा ट्रिपल सी का, ठीक है। उसके बाद आपका उसके जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा और किस ईयर में आपने किया है, जैसे 2024 सेलेक्ट कर लीजिएगा और स्टूडेंट फॉर आपने कहाँ से किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नाइलेट का। यहाँ पे आपको ट्रिपल सी नहीं ढूंढना है, यहाँ पे आपको ट्रिपल सी देखे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको नाइलेट ढूंढना है, नाइलेट के लिए आपको नेशनल लिखना पड़ेगा, NATIONAL, ठीक है। आप इतना लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, मैं अभी आपको दिखा देते हैं नेशनल। तो ये देखिए नेशनल वाले जितने भी यार ऑप्शन है, इसी में आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी मैं दिखा देता हूँ कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो वही ऑप्शन आपको ये है, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिएगा, जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे आपका जो है आगे का फॉर्म ओपन होगा और वहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा अपना डॉक्यूमेंट और आपका जो है डिजी लॉकर आईडी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको सिंपल सा प्रोसेस करना है। तो ये जो आईडी नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये आईडी नंबर जब आप ट्रिपल सी का फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। जो 12 अक्षर की आईडी है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी, बाकी सेम वही प्रोसीजर आपका इसमें होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है इसको क्रिएट करना, पर आईडी आप इजीली कर सकते हैं, वो आईडी नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, आपका फॉर्म जो है आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये है एक नया अपडेट ट्रिपल सी के बच्चे जो भी हैं, ट्रिपल सी ECC BCC ट्रिपल सी प्लस, और ट्रिपल सी प्लस का जो एडमिशन है उसके बारे में बच्चे पूछते हैं क्या ट्रिपल सी प्लस डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ट्रिपल सी प्लस देके डायरेक्ट नहीं होता है, आपको इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही करना पड़ेगा। तो जो भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर जो कर दीजिएगा, फॉर्म भरिएगा तो अपार आईडी पहले जनरेट कर लीजिएगा, उसके बाद यह फॉर्म आपका भरा जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।